हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सीटीआरएम की डायनेमिक्स का आज का हमारा लास्ट लेक्चर होगा और आज के इस लेक्चर में हम जेईई एडवांस लेवल की एक और बहुत अच्छी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। और आज की इस प्रॉब्लम में क्या होगा, एक घूमती हुई बॉल का कोलिजन होगा रफ ग्राउंड के साथ है। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर से टोपलिंग स्टार्ट होगा और फिर उसके बाद में बैंकिंग ऑफ रोड्स, बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट और फिर उसके बाद में ग्रेविटेशन यूनिट स्टार्ट होगी। तो आज का हमारा सीटीआरएम की डायनेमिक्स का लास्ट लेक्चर है और इस लेक्चर में हम एक जेईई एडवांस के एक अच्छे न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। घूमती हुई बॉल का कोलिजन होगा विद रफ ग्राउंड। तो इस न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। ठीक है, और मान लो ये रफ ग्राउंड है। ठीक है, ये क्या है, रफ ग्राउंड, और ये काफी रफ है, इनफ रफ। ठीक है, और ये सॉलिड स्फेरिकल बॉल है, सॉलिड स्फेरिकल बॉल जिसका मास 4 kg गिवन है, रेडियस 10 cm गिवन है। ठीक है, और ये हाइट 20 m गिवन है। कोफिशेंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन दिस सॉलिड स्फेरिकल बॉल एंड दिस रफ ग्राउंड ये 0.6 गिवन है। मैंने क्या किया, t = 0 पे सॉलिड स्फेरिकल बॉल को केवल रोटेशन देके यहां पे छोड़ दिया, यहां से छोड़ दिया। t = 0 पे मैंने सॉलिड स्फेरिकल बॉल को केवल रोटेशन देके छोड़ा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज सेंस में 30 रेडियन पर सेकंड एंगुलर वेलोसिटी देके छोड़ दिया, केवल घुमा के छोड़ा है। ठीक है, तो मतलब t = 0 पे इस बॉल के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वो क्या है, 0। ठीक है, तो क्या होगा, ये बॉल का सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ आएगा, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में अंडर ग्रेविटी एक्सेलरेट होगा, और साथ साथ में ये बॉल सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में 30 रेडियन पर सेकंड कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूमती हुई भी आएगी। तो बॉल का फर्स्ट कोलिजन विद ग्राउंड यहां पर होगा, सही बात है। तो ये पता लगाना है कि बॉल का सेकेंड कोलिजन इस तरफ होगा या इस तरफ होगा और कितनी दूर होगा। वेहर बॉल्स सेकंड कोलिजन विद ग्राउंड टेक्स प्लेस। ठीक है, ये पता लगाना है। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो, मैंने यहां से इस सॉलिड स्फेरिकल बॉल को केवल रोटेशन दे के छोड़ा है, मतलब t = 0 पे बॉल के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 है और बॉल का सेंटर ऑफ मास अंडर ग्रेविटी एक्सेलरेट होगा। तो किस टाइम पे बॉल का फर्स्ट कोलिजन होगा विद ग्राउंड। तो सेंटर ऑफ मास के लिए s = ut + ½t² अप्लाई कर दो। s कितना, 20, ut 0 क्योंकि t = 0 पे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0, हाफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अंडर ग्रेविटी 10 × t², यहां से टाइम की वैल्यू आएगी 2 सेकंड, मतलब t = 2 सेकंड पे इस बॉल का फर्स्ट कोलिजन होगा विद ग्राउंड। t = 2 सेकंड पे बॉल का फर्स्ट कोलिजन होगा, ठीक है, विद ग्राउंड। और देखो, जस्ट बिफोर फर्स्ट कोलिजन विद ग्राउंड बॉल के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ये कितनी आएगी, यहां से यहां तक v = u + at अप्लाई कर दो बॉल के सेंटर ऑफ मास पे, v = u 0, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 10, यहां से यहां तक टाइम टेकन 2 सेकंड, तो ये आ गई 20 m/s। तो एट t = 2 सेकंड जस्ट बिफोर फर्स्ट कोलिजन विद ग्राउंड
बॉल के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी? 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और देखो बॉल साथ साथ में अबाउट सेंटर ऑफ मास एंटी क्लॉकवाइज सेंस में 30 रेडियन पर सेकंड कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूमती हुई भी आई है, तो बॉल की एंगुलर वेलोसिटी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में कितनी होगी? 30 रेडियन पर सेकंड। सही बात है, ठीक है। तो अब देखो मैंने बॉल को ऐसे केवल रोटेशन देके छोड़ा था, ठीक है, तो बॉल का सेंटर ऑफ मास अंडर ग्रेविटी एक्सेलरेट हुआ वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जब आप ऐसे बॉल को केवल रोटेशन देके छोड़ते हो तो ये आप फील कर सकते हो आफ्टर फर्स्ट कोलिजन बॉल कुछ ऐसे जाती है, मतलब बॉल का सेकंड कोलिजन कुछ यहां पे होगा। ये आप प्रैक्टिकली कर सकते हो घर पे, बॉल को केवल ऐसे घुमा के छोड़ना है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, बॉल का फर्स्ट कोलिजन होगा और फिर बॉल कुछ ऐसे जाएगी घूमती हुई विद अदर एंगुलर वेलोसिटी, इस एंगुलर वेलोसिटी से नहीं आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, कुछ और एंगुलर वेलोसिटी से ऐसे घूमती हुई यहां पे टकराएगी, यहां पे बॉल का सेकंड कोलिजन होगा विद रफ ग्राउंड, ठीक है। तो देखो एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे जस्ट आफ्टर फर्स्ट कोलिजन क्या होगा? बॉल के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का ये वर्टिकल कंपोनेंट ये तो कितना हो जाएगा? 20 इंटू में 0.6, मतलब 12 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और देखो आफ्टर फर्स्ट कोलिजन बॉल कुछ ऐसे घूमती हुई यहां पे टकराएगी, आप प्रैक्टिकली घर पे कर सकते हो। जब बॉल को मैंने यहां पे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में केवल रोटेशन देके छोड़ा है तो फर्स्ट कोलिजन हुआ और फिर ऐसे घूमती हुई यहां पे कुछ टकराएगी बॉल, ये पक्का है। तो इसका मतलब जस्ट आफ्टर फर्स्ट कोलिजन बॉल की सेंटर ऑफ मास को इस डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी मिल जाएगी, वो मान लो मिल गई v2 और ये वेलोसिटी का कंपोनेंट, मतलब बॉल के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का ये कंपोनेंट 12 मीटर पर सेकंड v1, ठीक है। ये कैसे आया? 20 इंटू में 0.6, ठीक है। और जस्ट आफ्टर फर्स्ट कोलिजन एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड बॉल के सेंटर ऑफ मास को इस डायरेक्शन में भी कुछ वेलोसिटी मिल जाएगी, मतलब एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड जस्ट आफ्टर फर्स्ट कोलिजन विद ग्राउंड बॉल के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी? इस 12 और इस v2 का रिजल्टेंट, ठीक है। तो देखो अब ये देखो जस्ट आफ्टर फर्स्ट कोलिजन बॉल के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को ये कंपोनेंट मिला है v2, तो इसका मतलब एक इंपल्स आया होगा ड्यूरिंग फर्स्ट कोलिजन बॉल पे इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये क्या है? ड्यूरिंग कोलिजन या ड्यूरिंग फर्स्ट कोलिजन क्या होगा? बॉल पे एक तो नॉर्मल रिएक्शन का इंपल्स आएगा इंटीग्रेशन n1 dt और एक इस डायरेक्शन में भी इंपल्स आएगा बॉल पे, तभी तो जस्ट आफ्टर फर्स्ट कोलिजन बॉल के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को ये कंपोनेंट मिला, तो यहां पे इस डायरेक्शन में एक इंपल्स आना चाहिए। वो क्या आएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन का इंपल्स इंटीग्रेशन f dt, स्टैटिक फ्रिक्शन का इंपल्स, ठीक है। और देखो जस्ट आफ्टर फर्स्ट कोलिजन बॉल के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी? इस 12 और इस v2 का रिजल्टेंट। और जस्ट आफ्टर फर्स्ट कोलिजन बॉल की एंगुलर वेलोसिटी अबाउट सेंटर ऑफ मास मान लो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ओमेगा नॉट होगी, ठीक है। और देखो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, इस डायरेक्शन को नेगेटिव, तो इस इंटीग्रेशन n1 dt की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, मतलब ड्यूरिंग फर्स्ट कोलिजन
जो नॉर्मल रिएक्शन का इंपल्स आएगा ना इंटीग्रेशन एन वन डी टी, उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव, इस डायरेक्शन को नेगेटिव। तो देखो सेंटर ऑफ मास पे वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में इंपल्स कितना आया, इंटीग्रेशन एन वन डी टी या प्लस इंटीग्रेशन एन वन डी टी, ये किसके बराबर होगा, वर्टिकल डायरेक्शन के अलोंग, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन के अलोंग बॉल का लीनियर मोमेंटम जस्ट आफ्टर फर्स्ट कोलिजन माइनस बॉल का लीनियर मोमेंटम जस्ट बिफोर फर्स्ट कोलिजन वर्टिकल डायरेक्शन के अलोंग। तो मास ऑफ बॉल 4 kg को मैं कॉमन ले लेता हूं, यहां पे फिर क्या आएगा, जस्ट आफ्टर फर्स्ट कोलिजन बॉल के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन के लोंग, और वो कितना है प्लस 12 माइनस जस्ट बिफोर फर्स्ट कोलिजन बॉल के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट बोल दो, या केवल बॉल के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हो जाएगी वो, और ये कितनी होगी माइनस 20। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आएगा प्लस 20, ठीक है। तो 20 और 12 32, 32 चौका 128, तो इंटीग्रेशन एन वन डी टी की वैल्यू आ गई 128 न्यूटन सेकेंड। मतलब ड्यूरिंग फर्स्ट कोलिजन जो नॉर्मल रिएक्शन का इंपल्स आएगा ना बॉल पे ऐसे इंटीग्रेशन एन वन डी टी, उसकी वैल्यू कितनी आई 128 न्यूटन सेकेंड, ठीक है। और अब देखो इस बॉल के सेंटर ऑफ मास पे ओरिजेंटल डायरेक्शन में इंपल्स इक्वेशन अप्लाई कर दो, इंपल्स इक्वेशन ऑन सेंटर ऑफ मास ओरिजेंटल डायरेक्शन में अप्लाई कर दो। तो देखो इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान रहा हूं, इस डायरेक्शन को नेगेटिव, ठीक है। तो ड्यूरिंग फर्स्ट कोलिजन ओरिजेंटल डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन इंपल्स आएगा इंटीग्रेशन एफ डी टी, ये किसके बराबर होगा, ओरिजेंटल डायरेक्शन के अलोंग सेंटर ऑफ मास का लीनियर मोमेंटम जस्ट आफ्टर फर्स्ट कोलिजन माइनस ओरिजेंटल डायरेक्शन के अलोंग सेंटर ऑफ मास का या बॉल का लीनियर मोमेंटम जस्ट बिफोर फर्स्ट कोलिजन, ठीक है। तो m को कॉमन ले रहा हूं, मास ऑफ बॉल 4, तो यहां पे क्या आएगा, जस्ट आफ्टर फर्स्ट कोलिजन बॉल के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ओरिजेंटल डायरेक्शन के अलोंग माइनस जस्ट बिफोर कोलिजन बॉल के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ओरिजेंटल डायरेक्शन के अलोंग। तो देखो जस्ट आफ्टर फर्स्ट कोलिजन बॉल के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ओरिजेंटल डायरेक्शन के अलोंग वो क्या आई, ऐसे वी टू, और इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया मैंने, तो मतलब प्लस वी टू माइनस जस्ट बिफोर फर्स्ट कोलिजन बॉल के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का कंपोनेंट ओरिजेंटल डायरेक्शन के अलोंग वो क्या, जीरो, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये आ गई इंटीग्रेशन एफ डी टी इज इक्वल टू 4v2, ठीक है। और देखो ड्यूरिंग फर्स्ट कोलिजन यहां पे स्लिपिंग नहीं हुई है बॉल और रफ ग्राउंड के बीच, तभी तो मैंने बोला है ये ग्राउंड काफी रफ है, कि ड्यूरिंग कोलिजन देयर विल बी नो स्लिपिंग बिटवीन बॉल एंड ग्राउंड, ठीक है। इसीलिए v2 की वैल्यू क्या आएगी, v2 की वैल्यू r ओमेगा नोट, मतलब 0.1 ओमेगा नोट, ठीक है। सेकंड इक्वेशन ये आगे, और अब एंगुलर इंपल्स इक्वेशन अप्लाई कर दो, एंगुलर इंपल्स इक्वेशन। तो देखो मैं क्या मान के चल रहा हूं आज के इस लेक्चर में, क्लॉकवाइज सेंस को तो मैं लूंगा पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज सेंस को
नेगेटिव लूंगा, ठीक है, ताकि न्यूमेरिकल को सोल्व करने में आसानी रहे, और कुछ नहीं। तो देखो, इस स्टैटिक फ्रिक्शन के इंपल्स का एंगुलर इंपल्स कितना आएगा, पहली बात तो क्लॉकवाइज सेंस में आएगा और वो मैंने पॉजिटिव लिया है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन के इस इंपल्स का एंगुलर इंपल्स क्लॉकवाइज सेंस में आएगा और कितना आएगा, इंटीग्रेशन एफ डी टी आर क्रॉस से, इंटीग्रेशन एफ डी टी से, इंटीग्रेशन एफ डी टी इंटू में 0.1, ठीक है, इज इक्वल टू ये किसके बराबर होगा, जस्ट आफ्टर फर्स्ट कोलिजन बॉल का एंगुलर मोमेंटम माइनस जस्ट बिफोर फर्स्ट कोलिजन बॉल का एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ ए स्फेरिकल बॉल, सॉलिड स्फेरिकल बॉल, उसको मैं कॉमन ले रहा हूं 2/5 mr² 4 r² मतलब 0.1 का स्क्वायर, इनटू में यहां पे क्या लिखा जाएगा, जस्ट आफ्टर फर्स्ट कोलिजन बॉल की एंगुलर वेलोसिटी माइनस जस्ट बिफोर फर्स्ट कोलिजन बॉल की एंगुलर वेलोसिटी, ये लिखा जाएगा। तो देखो, जस्ट आफ्टर फर्स्ट कोलिजन बॉल की एंगुलर वेलोसिटी किस सेंस में है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है, तो मतलब माइनस ओमेगा नॉट, माइनस जस्ट बिफोर फर्स्ट कोलिजन बॉल की एंगुलर वेलोसिटी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है और वो 30 है, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लिया है तो माइनस 30, ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहां पे, प्लस, तो प्लस 30। तो देखो, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड इक्वेशन, तीन इक्वेशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और तीन ही अननोन है, तीन अननोन कौन से हैं, इंटीग्रेशन एफ डी टी विद 2 ओमेगा नोट। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन को आप सोल्व कर सकते हो, आफ्टर सोल्विंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन तीनों अननोन की वैल्यू निकल जाएगी, इंटीग्रेशन एफ डी टी की वैल्यू भी निकल जाएगी और वी टू की वैल्यू भी निकल जाएगी और ओमेगा नोट की वैल्यू भी निकल जाएगी, ठीक है। तो आफ्टर सॉल्विंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन वी टू की वैल्यू क्या आएगी, 0.857, ठीक है, और स्टैटिक फ्रिक्शन के इंपल्स की वैल्यू इंटीग्रेशन एफ डी टी वो क्या आएगी, 3.428 न्यूटन सेकंड, ठीक है, और ओमेगा नॉट की वैल्यू ये कितनी आएगी, 8.57 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। तो देखो, एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे, जस्ट आफ्टर फर्स्ट कोलिजन विद ग्राउंड, बॉल के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी, इस 12 और इस 0.857 का रिजल्टेंट, ठीक है, और जस्ट आफ्टर फर्स्ट कोलिजन एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे बॉल की जो एंगुलर वेलोसिटी आएगी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ओमेगा नोट, ये कितनी आएगी, 8.57 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। तो अब देखो क्या हुआ, ये बॉल अब कुछ ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगी आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, ठीक है, ऐसे ये बॉल अब कुछ ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगी, ठीक है, साथ साथ में एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूमती हुई भी जाएगी, कितने एंगुलर वेलोसिटी से, 8.57 रेडियन पर सेकंड एंगुलर वेलोसिटी से, ठीक है। और देखो ये क्या है, ये पोजीशन बॉल की t इक्वल टू 2 सेकंड पे जस्ट आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, तो बॉल के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का एक तो ये कंपोनेंट है 12 मीटर पर सेकंड, और बॉल की सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का एक ये कंपोनेंट है 0.857, ठीक है।
और ध्यान रहे जस्ट आफ्टर फर्स्ट कोलिजन एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे, जब बॉल जस्ट अंडर ग्रेविटी हुई है, फिर उसके बाद में कुछ ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगी। तो जस्ट आफ्टर फर्स्ट कोलिजन टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे बॉल की एंगुलर वेलोसिटी है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में कितनी, 8.57 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, 8.57 रेडियन पर सेकंड, 8.57 रेडियन पर सेकंड। तो अब देखो ये बॉल यहां से यहां तक कितना टाइम लेगी, प्रोजेक्टाइल मोशन का टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, क्या 2u sin alpha / g। तो 2u sin alpha कितना, 12, g 10, तो 12 × 24 / 10 2.4 सेकंड। तो यहां से यहां तक बॉल कितना टाइम लेगी अंडर ग्रेविटी, 2.4 सेकंड। और जब बॉल जस्ट आफ्टर फर्स्ट कोलिजन यहां से प्रोजेक्ट हुई है कुछ ऐसे घूमती हुई एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो उस टाइम पे स्टॉपवॉच में क्या टाइम था, 2 सेकंड। और जब बॉल का सेकंड कोलिजन होने वाला होगा विद ग्राउंड, तो स्टॉपवॉच में क्या टाइम होगा, 2 + 2.4। तो टी इज इक्वल टू 4.4 सेकंड, ये टाइम होगा जस्ट बिफोर सेकंड कोलिजन विद ग्राउंड। ठीक है, और देखो बॉल ये मैक्सिमम हाइट ये कितनी लेगी, ये एच मैक्सिमम हाइट फर्स्ट कोलिजन के बाद में बॉल कुछ ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगी अंडर ग्रेविटी, साथ साथ में घूमती हुई भी जाएगी, ये ध्यान रहे। ये जो ट्रेजेक्ट्री है ना, ये सेंटर ऑफ मास की, ये भी ध्यान रहे। तो बॉल कितनी मैक्सिमम हाइट लेगी इस प्रोजेक्टाइल मोशन में फ्रॉम ग्राउंड, एच मैक्सिमम कैसे निकाले, फॉर्मूला अप्लाई कर दो बस, क्या होता है, u² sin² α / 2g। ठीक है, तो मतलब 12² / 2g 20, तो ये मैक्सिमम हाइट कितनी आएगी, 144/20, 2 से 72 कट गया, तो 7.2 मीटर आएगी ये। ठीक है, आफ्टर फर्स्ट कोलिजन जो ये ट्रेजेक्ट्री है बॉल के सेंटर ऑफ मास की प्रोजेक्टाइल मोशन, इसमें बॉल की मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड ये कितनी होगी, 7.2 मीटर। और बॉल का सेकंड कोलिजन यहां पे होगा, तब स्टॉपवॉच में क्या टाइम होगा, 4.4 सेकंड। और यहां से कितनी दूर होगा बॉल का सेकंड कोलिजन विद ग्राउंड, r, मतलब रेंज का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, क्या होगा, 0.857, क्योंकि बॉल के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का ओरिजेंटल कंपोनेंट तो ऐसे रहेगा ना, 0.857, उस पर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता, तो 0.857 इंटू में यहां से यहां तक टाइम टेकन वो कितना आया था, 2.4। तो 0.857 इंटू में 2.4, तो ये कितना आएगा, 2.056 मीटर। ठीक है, और अब देखो आफ्टर फर्स्ट कोलिजन बॉल ऐसे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूमती हुई आई है कितनी कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, ओमेगा नोट, मतलब 8.57 रेडियन पर सेकंड से। ठीक है, और आफ्टर फर्स्ट कोलिजन ये बॉल के सेंटर ऑफ मास की ट्रेजेक्ट्री है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो एट टी इज इक्वल टू 4.4 सेकंड पे बॉल का सेकंड कोलिजन होगा विद ग्राउंड अकॉर्डिंग टू स्टॉपवॉच। ठीक है, तब बॉल के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी
जस्ट बिफोर सेकेंड कोलिजन विद ग्राउंड वो क्या होगी, बॉल के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का ये कंपोनेंट तो कितना आएगा, 0.857, ठीक है। और बॉल के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का ये कंपोनेंट कितना आएगा, 12, ठीक है, जस्ट बिफोर सेकेंड कोलिजन विद ग्राउंड। और जस्ट बिफोर सेकेंड कोलिजन विद ग्राउंड बॉल की एंगुलर वेलोसिटी अबाउट सेंटर ऑफ मास एंटी क्लॉकवाइज सेंस में वो कितनी होगी, 8.57 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो बॉल का फर्स्ट कोलिजन यहां पे होगा विद ग्राउंड ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने बॉल को केवल रोटेशन देके छोड़ा है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, 30 रेडियन पर सेकेंड कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी देके छोड़ दिया, या मतलब 30 रेडियन पर सेकेंड एंगुलर वेलोसिटी देके छोड़ दिया। तो ये बॉल एंटी क्लॉकवाइज सेंस में 30 रेडियन पर सेकेंड कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करती हुई आएगी, और बॉल का सेंटर ऑफ मास वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में अंडर ग्रेविटी एक्सेलरेट होगा, ठीक है। और टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे बॉल का फर्स्ट कोलिजन होगा विद ग्राउंड, और फिर बॉल कुछ ऐसे घूमती हुई जाएगी, प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगी, और कुछ यहां पे बॉल का सेकेंड कोलिजन होगा विद रफ ग्राउंड। और किस टाइम पे होगा अकॉर्डिंग टू स्टॉपवॉच बॉल का सेकेंड कोलिजन विद ग्राउंड, 4.4 सेकेंड पे, और यहां से कितनी दूर, आर मतलब 2.056 मीटर दूर, ठीक है। और ये ध्यान रहे आफ्टर फर्स्ट कोलिजन ये बॉल ऐसे घूमती हुई जाएगी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में 8.57 रेडियन पर सेकेंड कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, ठीक है। और आफ्टर फर्स्ट कोलिजन ये बॉल के सेंटर ऑफ मास की ट्रेजेक्ट्री है जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन होगी, ठीक है, होता है ना जैसे ग्राउंड टू ग्राउंड कुछ ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।